कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना यार। तो देखो यार, जैसे मैंने यूपी टू के लिए आंसर की डाल रखा है, केमिस्ट्री का भी और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है, तो उम्मीद है कि आप लोग ऑफिशियल आंसर की मैच कर चुके होंगे और मैंने ऑफिशियल आंसर की क्लेम भी किया है, तो वो जाके चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो कि यूपी टू के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सारा लेटेस्ट अपडेट को भी आएगा तो सबसे पहले मैं लेके आऊंगा चैनल पे। तो देखो यार कि एक रिजल्ट के लिए लेटेस्ट अपडेट आ रखा है यूपी टू के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। देखो यार कि मैंने अभी यूपी टू ऑफिशियल से बात भी की है कॉल पे, लेकिन यार उन्होंने बताया कि जैसे यूपी टू के ऑफिशियल साइट पे दिखा रहा है कि भाई मिड ऑफ अक्टूबर, समझ लो ना, मिड ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आने वाला है सारे कोर्सेज के लिए, पेपर वन हो, पेपर एट हो, कोई भी पेपर हो, सबके लिए यूपी टू का रिजल्ट आपका मिड ऑफ अक्टूबर में आने वाला है। लेकिन मैंने यूपी टू ऑफिसर्स को जैसे ही बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई 13 से 14 तारीख को आपका यूपी टू का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 13-14 तारीख को फाइनल रखो, यूपी टू का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया रिजल्ट और काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है यूपी टू के लिए, तो काउंसलिंग लगातार हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी। लेकिन काउंसलिंग के लिए बात में ध्यान रख लो कि रिजल्ट जैसे ही आपका 13-14 तारीख को आपका रिलीज होता है अक्टूबर में, 13-14 अक्टूबर को जैसे ही रिलीज होता है रिजल्ट, उसके 5 या 6 दिन बाद ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे चैनल बने रहिए, रिजल्ट और काउंसलिंग रिलेटेड सारी वीडियो आती रहेंगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।